एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिन लोग डार्क फॉरेस्ट में गए होते हैं, जहां पर रैंक 5 का काफ़ी सारे स्पाइडर ग्रुप में आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो देखकर वो लिनसु और गुओलिंग से कहती है कि तुम दोनों के पास फायर वाला पावर है, इसीलिए तुम दोनों अटैक करोगे और बाकी के लोग डिफेंड करेंगे। उसकी बात मानकर वो दोनों अपना फायर पावर का यूज करके उन सभी स्पाइडर को फ्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। फिफ्थ रैंक के स्पाइडर को ख़त्म करने पर लिन को काफ़ी सारा एक्सपी मिलने लगा होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि रैंक 7 वाले वॉरियर को मारने पर उसको कोई भी एक्सपी नहीं मिला होता है, क्योंकि वो जॉइंट किल था, इसलिए जिससे वो थोड़ा सा निराश हो गया होता है। इसलिए यहाँ पर अब वो इन सभी स्पाइडर को मारकर अपना मेकअप कर रहा होता है। वहीं पर लिन को उतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसे मारने में उतना ज्यादा मजा आता क्या है। तभी वो लोग सभी स्पाइडर को खत्म कर देते हैं और लिन सोचता है कि अपग्रेड अचीव करने में बस कुछ कदम की और दूरी पर हूँ। वो सब देखकर वो काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगी होती है कि मेरा लिन तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, आगे में काफी सारे इविल बीस्ट है जो कि तुम्हें एंटरटेन रखेंगे। अचानक वो सब सुनकर वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और आगे बढ़ने के लिए कहने लगता है। इसीलिए वो लोग आगे जाने लगे होते हैं और वहां पर कोई भी सिग्नल ना मिल पाने के कारण उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो लोग किस दिशा में जा रहे हैं, और काफी ज्यादा रात हो जाने के कारण वो लोग वहीं पर आराम करने के बारे में कहते हैं। इसीलिए वो वहां पर मौजूद एक बहुत बड़े पत्थर पर लीन करके बैठ जाती है, लेकिन जब लीन देखते तो उसे पता चलता है कि वो कोई पत्थर नहीं है बल्कि वो रैंक 6 का इवॉल्व बीस्ट होता है, जो जानकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से उसे वहां से हटने के लिए कहता है। लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है क्योंकि तब तक वो बिस्ट जाग जाता है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश तो करती है लेकिन भाग नहीं पाती है। लेकिन उसके अटैक करने से पहले लिन आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि वो बोली है ना किसी भी चीज को ना छूने के लिए। वो थोड़ी सी ब्लश करते हुए उसे थैंक्स कहती है। वहीं पर वो बिस्ट अटैक करने की तैयारी करने लगा होता है, जो देखकर सभी लोग उससे बचने की तैयारी करने लगे होते हैं, और तभी वो बिस्ट काफी भयानक लेजर से अटैक कर देता है, जिससे वो लोग बच तो जाते हैं लेकिन उसका डिस्ट्रक्शन पावर को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर उसका पावर देखने के कुछ देर के बाद लिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि अगर मैं उसे मार देता हूं तो एक्सपी की तो बारिश हो जाएगी। तभी उनका एक साथी अपना सोर्ड का यूज करके हमला करने जाता है, लेकिन उसका स्किन काफी ज्यादा मजबूत होता है जिससे उसे खरोच भी नहीं आती है, जो देखकर वो लोग फिर से काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी लिन ऊपर से अपने फिनिक्स वाला फ्लेम से हमला कर देता है, जिससे वो बिस्ट निकल जाता है और उसी से लिन पर हमला कर देता है, लेकिन अपने ही फ्लेम से लिन को कुछ भी नहीं होता है और वो बिस्ट फिर से उस पर हमला कर देता है, जिससे बचकर लिन इस बार उसका पिछवाड़ा को जलाने के लिए हमला कर देता है, जिससे उसे लग जाता है और वो टूटने लगा होता है, जिससे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी वो बिस्ट अपने टूटे हुए हिस्से से लिन पर हमला कर देता है, जिससे वो थोड़ा सा चौंक जाता है लेकिन अपना क्लोन वाले स्किल का यूज करके उससे बच जाता है। इसके बाद वो उसके आंख पर हमला कर देता है जिससे उसे लग जाती है, और अब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और जहां तहां अटैक करने लगा होता है, जिसके अटैक से वो लोग काफी मुश्किलों से बच पाते हैं। तभी लिन उसका दूसरा आंख पर भी अटैक कर देता है, जिसमें इस बार माँ बाबा उसका हेल्प कर देता है और वो लोग सक्सेसफुली उसका काम तमाम कर देते हैं, लेकिन जॉइंट किल होने के कारण फिर से उसे कोई भी एक्सपी नहीं मिलता है, जिससे वो फिर से थोड़ा सा दुखी हो जाता है। उसका दुखी शक्ल देखकर वो कहती है कि लिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, इसीलिए उसका क्रिस्टल उसे मिलेगा, जो सुनकर लिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो लोग उसी जगह पर आराम करने लगे होते हैं, क्योंकि उतना बड़ा बिस्ट का बॉडी होने के कारण वहां पर दूसरा बिस्ट आने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और उनके सामने में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा होता है। उतना बड़ा गड्ढा देखकर वो लोग थोड़े से चौंक गए होते हैं और वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी वो उसे एक टॉर्च देते हुए कहती है कि ब्लैक टूथ स्पाइडर लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसीलिए वो सभी लोग नीचे में लाइट दिखाने लगे होते हैं, जिससे कुछ देर के बाद सभी स्पाइडर ऊपर में आने लगे होते हैं। उन सभी स्पाइडर को आता देखकर वो लोग जल्दी से अपना फ्लेम गन को निकाल कर तैयार होने लगे होते हैं, जिससे देखकर लिन चिल्लाने लगा होता है कि अगर तुम लोगों के पास पहले फ्लेम गन था ही, फिर भी तुम लोग मेरा यूज क्यों कर रहे थे। वो कहती है एनर्जी बचाने के लिए, वैसे भी ज्यादा चिंता मत करो, इसका एनर्जी जल्दी खत्म हो जाता है। तभी वो सभी स्पाइडर ऊपर में पहुंचने वाले होते हैं, जो देखकर वो सभी लोग उन स्पाइडर पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और लिन अपने फिनिक्स वाला फ्लेम से उनका काम तमाम करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसका एक्सपी काफी ज्यादा बढ़ने लगा होता है। लेकिन उतने सारे को मारने के बावजूद भी उनका संख्या बढ़ते ही जा रहा होता है, जो देखकर लिन पूछते हैं कि वो म्यूटेटेड स्पाइडर कहां पर है जिसे हम लोग ढूंढ रहे हैं। और वो बताती है कि ऑन एवरेज 100 ब्लैक स्पाइडर के साथ एक म्यूटेटेड स्पाइडर अपीयर होता है, इसलिए मेरे हिसाब से वो आने ही वाला होगा। ये बोलकर वो लोग फिर से उनका पकौड़ा बनाना जारी रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारे स्पाइडर ऊपर में पहुंच जाते हैं, जिससे लिन काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उनसे डील करने चला जाता है। और अब बस उसे कुछ ही पॉइंट की जरूरत होती है और वो नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएगा, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ में उसे और ज्यादा एक्साइटेड देखकर माँ बाबा कहने लगा होता है कि पता नहीं उसे मारने में क्या मजा आता है। तभी वहां पर एक ब्लू कलर का एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर आ जाता है और वो लिन पर हमला कर देता है। लिन उसके अटैक को डॉच करते हुए पूछता है कि क्या ये वही स्पाइडर है। वो बताती है हाँ ये वही
बॉडी स्पाइडर है जो कि हमें चाहिए, लेकिन उसका म्यूटेशन काफी टाइम तक चलने के कारण उसका बॉडी काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए हम उसे जिंदा पकड़ नहीं सकते हैं। इसलिए छोटे वाले को ढूंढो जो कि हाल ही में म्यूटेट हुआ होगा। उसकी बात सुनकर लिन सोचते हैं कि इसे मारने पर सच में काफी ज्यादा एक्सपी मिलेगा। ये सोचकर वो उस पर हमला कर देता है। वहीं पर उनका फ्लेम गन का पावर खत्म होने लगा होता है और तभी वहां पर एक और ब्लू कलर का स्पाइडर आ जाता है, लेकिन वो पहले वाले से छोटा होता है। वो देखकर लिन उनसे कहते हैं कि मैं और वो लिंग स्पाइडर का ग्रुप का अटेंशन खींचते हैं और तुम लोग ब्लू वाले को जाकर पकड़ लेना। उसकी बात मानकर वो लोग उस ब्लू वाले स्पाइडर को पकड़ने चले जाते हैं। वहीं पर दूर से कुरोकावा सोसाइटी के लोग उन्हें देख रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या इनका पर्सनैलिटी सस्पेक्ट से मिल रहा है। दूसरा कहता है कि उनमें से अभी भी दो लोग मिसिंग है, जल्दी से प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर दो। लेकिन उसके बाद से इनकार करते हुए उनकी एक दूसरी साथी कहती है कि इस छोटे से मैटर के लिए प्रेसिडेंट को बुलाने की क्या जरूरत है, मैं तो अकेली उन लोगों को संभाल लूंगी। उसकी बातें सुनकर एक बंदा कहता है कि वो लोग वाइस प्रेसिडेंट को मार दिए हैं, इसलिए हमें उसे कम समझना नहीं चाहिए। लेकिन वो उसकी बात ना मानकर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग वाइस प्रेसिडेंट को मारे होंगे, और वैसे भी अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं तो शायद वो मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे, और वैसे भी वो हमें मरने मारने के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। ये बोलकर वो एक्शन लेने के लिए कहने लगती है। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहां पर वो लोग उस ब्लू वाले स्पाइडर से फाइट करके उसे पकड़कर बॉक्स में डाल देते हैं, और वो लोग उस स्पाइडर को पकड़कर खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर कुरोकावा सोसाइटी वाले लोग आकर उन लोगों पर स्नीक अटैक करने आ जाते हैं, जिससे देखकर वो लोग थोड़े से चौंक जाते हैं। वो देखकर मां बाबा और रुआ उन्हें बचाने जाने लगते हैं, लेकिन उन लोगों को भी काफी सारे लोग आकर घेर लेते हैं, और एक बंदा रुआ पर हमला करने जाता है जिससे मां बाबा बचा लेता है, लेकिन उसे चोट लग जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो उन्हें पीट देता है। वैसे हलचल सुनकर वो पूछती है कि आखिर वहां पर क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा जैसे कि वो लोग किसी से फाइट कर रहे हैं। ये बोलकर वो उनका हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन लिन मना करते हुए कहता है कि तुम ज्यादा पैनिक मत करो, हमारे पास अभी काफी सारे हेल्पर है। ये बोलकर वो उससे उसका टॉर्च मांग लेता है। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहां पर वही लड़की आकर उनसे कहती है कि तुम लोग अब घिर चुके हो, ब्रदर उन्हें मारकर वाइस प्रेसिडेंट और यंग मास्टर का बदला ले लो। ये सुनकर वो सभी लोग हमला करने की तैयारी करने लगे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर लिन आकर उनसे कहते हैं कि हम लोग नहीं बल्कि तुम लोग घिरे जा चुके हो। हेजी उससे कहती है कि तुम अकेली हमें कैसे घिरने वाले हो। लिन उन्हें फ्लैशलाइट दिखाते हुए कहता है कि कौन कहा कि मैं अकेले आया हूं, मैं तो यहां पर अपने दोस्तों के साथ आया हूं। ये बोलकर वो उन्हें टॉर्च पकड़वा देता है, जो देखकर वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। लेकिन तभी लाइट की तरफ अट्रैक्ट होकर सभी स्पाइडर उन्हीं लोगों पर हमला करने लगे होते हैं। ये देखकर हेजी जल्दी से अपने एक साथी को अपना फायर स्किल का यूज करने के लिए कहती है। वो बंदा अपना फायर पावर का यूज करने ही वाला होता है कि तभी लिन उसका काम तमाम कर देता है, जिससे उसके लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और हेजी भी कहते हैं कि स्नेक अटैक तुम क्यों कर रहे हो। लिन कहते हैं कि स्नेक अटैक तो तुम लोगों को मेन पॉइंट होना चाहिए ना, लेकिन जब मैं कर रहा हूं तो तुम इसे डिस्पेसेबल क्यों बोल रहे हो। ये बोलकर वो अपना फायर स्किल का यूज करता है, जिससे सभी स्पाइडर उससे दूर होकर उनके तरफ जाने लगा होता है। स्पाइडर को उनके तरफ भेजकर वो अपनी टीम को जल्दी से हील करने के लिए कहता है, इसीलिए वो सभी लोग जल्दी से हीलिंग पोशन पीकर खुद को हील कर लेते हैं। वहीं पर ये सब देखकर अब उनका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो गया होता है, और वो उनसे कहती है कि अगर हम मरेंगे तो तुम लोगों को भी साथ लेकर जाएंगे। ये बोलकर वो अपने लोगों को उनके तरफ सभी मकड़ी को लेकर जाने के लिए कहती है। उनकी बातें सुनकर लिन कहता है कि लगता है कि तुम लोगों को कुछ गलतफहमी हो गया है। ये बोलकर वो उन पर अटैक करके उनका काम तमाम करने लगा होता है, जिससे उसे काफी सारे एक्सपी मिलने लगा होता है। वो देखकर बाकी के लोग भी उनका काम तमाम करने लगे होते हैं। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जहां पर वो लेवल 26 में पहुंच गया होता है और उसे 26 पॉइंट मिलता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो अपना सभी पॉइंट को स्ट्रेंथ में ऐड करवा देता है, जिससे उसका पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और वो सेकंड राउंड के लिए तैयार होने लगा होता है। उसका वैसे एक्साइटमेंट देखकर हेजी काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगी होती है कि आखिर वो बंदा थक क्यों नहीं रहा है। तभी लिन उस पर भी हमला करने आने लगा होता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है, लेकिन उसका रोने लिखने का कोई भी फायदा नहीं होता है। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो लोग उन सभी लोगों का काम तमाम कर दिए होते हैं, जिससे वो सभी लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं और वहीं पर आराम करने लगते हैं। लेकिन लिन कुछ ऐसा कहता है जिससे सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, और इसके साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए।